हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऑर्गेनाइजर बताने जा रही हूँ जिसे मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। तो सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड का गोल पीस कट कर लिया, इसे मैंने न्यूज़पेपर से कवर कर दिया है। अब मैं एक प्रिंटेड पेपर लूँगी, इस सर्कल के बराबर मैं इसे कट कर लूँगी और इसे इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी। इसके ऊपर लगा दूंगी। देखिए, इसको हम पीछे से भी अच्छे से कवर कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसे पीछे से भी कवर कर दिया। अब ये हमारा एक पीस बनकर के तैयार हो गया है। सेम प्रोसेस हम दूसरे पीस के लिए भी करेंगे। इस तरीके से हमने ये दूसरा पीस तैयार कर लिया। देखिए, ये मेरे दोनों पीस बनकर के तैयार हो गए हैं। अब मैं पेपर टेप के खाली रोल का यूज़ करूँगी। तो मैंने ये पेपर टेप लिए हैं और इसको प्रिंटेड पेपर से कवर कर लूँगी। मैंने 7 पीस बनाए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने इसे स्टिक कर दिया है। इस तरह से मैंने इसे कवर कर दिया है और ये मेरे सारे पीस बन करके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे एक पेपर का पीस लूँगी और इसे दोनों कार्डबोर्ड के बीच में लगा दूंगी। इस तरीके से दोनों पार्ट ताकि आपस में जॉइंट हो जाए। इस तरीके से दूसरा पार्ट भी इसी के ऊपर लगा दूंगी मैं। ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने दूसरा पार्ट लगा दिया है। अब जो हमारे पेपर टेप की पीस बन करके तैयार करे थे हमने, वो उसे 1x1 करके मैं इसे इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। इस तरीके से ये मैंने सारे पीस लगा दिए हैं। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा लगने लगा है अभी से। अब हम इसके लिए एक हुक तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पेपर लिया है, इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी डोरी ली है। इस तरीके से मैं इसे इसके ऊपर लगा दूंगी। ये मैंने इसके ऊपर से लगा दिया है। अभी मेरे पास एक बटन रखा हुआ था तो मैंने उसी का यूज़ किया है। आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसे मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। देखिए, ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया है। ये बहुत ही यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।